कि हमारे पास फोर बेसिक टाइप्स ऑफ सॉयल पार्टिकल्स होते हैं ठीक है नंबर वन जो सबसे uh, मोटे पार्टिकल्स तेक पार्टिकल्स होते हैं वो उसको ग्रेवल कहते हैं देन वी हैव सेंड ठीक है जो कंपेरेटिवली ग्रेवल uh, से छोटे होते हैं फिर हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जिसमें हमारे पास सेल्ट और क्ले होता है ठीक है नाउ दिस इज़ दैट ए ठीक है एलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक पिक्चर है हमारे पास ठीक है एक क्ले uh, पार्टिकल uh, का या एक क्ले का क्ले सैम्पल का ठीक है तो इसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सिर्फ मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे पास जो सॉयल होता है uh, ये हमारे पास डिफरेंट साइज पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है ठीक है और वो पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं ग्रेवल्स सेंड सिल्ट एंड क्ले और ये क्लासिफिकेशन जो है दिस इज़ एक्चुअली प्योरली बेस्ड अपॉन द साइजेस ओनली ठीक है इसमें कुछ और भी फैक्टर्स आ जाते हैं वो मैं फिर आपको बताऊंगा साथ में ठीक है इसमें एक आ, एक चीज़ ये भी है कि लेट्स से हमारे पास सॉइल का एक सैम्पल है ठीक है और उसमें छोटे पार्टिकल्स भी है और बड़े पार्टिकल्स भी है जैसे कि हमारे पास सिल्ट पार्टिकल भी इसमें है और इसमें ग्रेवल्स भी है ठीक है तो आप इसको अब सिल्ट कहोगे या ग्रेवल कहोगे सो इसमें इसमें इस सिर्फ ये है कि जो पार्टिकल ज़्यादा होंगे जो डोमिनेंट साइज होगा ठीक है वही हमारे पास ये सॉइल होगा उस उस टाइप का सॉयल ये होगा से हमारे पास ग्रेवल बहुत ज़्यादा है और सिल्ट कम है तो देन हमारे पास इसको हम क्लासीफाई करेंगे एज ग्रेवल ठीक है और बाकी हमारे पास ये जो इसकी सेपरेशन है वो सीवी एनालिसिस के थ्रू फिर हम कर भी सकते हैं ठीक है देन कमिंग टू द टिपिकल पार्टिकल साइजेस ठीक है और जो हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम है सो वी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स ठीक है जो कि ऑलरेडी साइंटिस्ट ने और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम्स ऑलरेडी डिवेलप की हुई है नंबर वन वी हैव दिस एम क्लासीफिकेसन सिस्टम विच इज़ मैसेच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसने ये क्लासीफिकेसन सिस्टम बनाया हुआ है दैन वी हैव दैट यू एस टी ए यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दैन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल अशतो दैन यूनिफाइड सॉइल क्लासीफिकेसन सिस्टम ठीक है यू एस सी एस ठीक है ये हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है और इसमें हमारे पास ए एस टी एम भी आता है ठीक है क्लासिफिकेशन सिस्टम में अब देखिए हर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम ने डिफरेंट साइजेस दिए ठीक है लेट्स से हमारे पास एम आई टी के बारे में हम बात करें तो उसमें हमारे पास ग्रेवल्स कौन से साइज के पार्टिकल्स को कहते हैं सेंड कौन से साइज पार्टिकल को कहते हैं सिल्ट और क्ले ठीक है हर एक की कित क्या साइज़ होती है ठीक है तो ये साइज़ेस हमारे पास अगर आप देखोगे तो ग्रेन साइज इज एक्चुअली यहाँ पे ये ग्रेन साइज़ेस हमारे पास गिवन है इन मिलीमीटर्स, ठीक है सो यू कैन से अगर हमारे पास ग्रेन साइज टू से ज़्यादा हो ठीक है तो उसको इन मिलीमीटर टू मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या कहेंगे टू मिलीमीटर से ज्यादा हो तो इट विल बी ग्रेवल अकॉर्डिंग टू एम आई टी सिस्टम और अगर हमारे पास साइज़ ग्रेन साइज़ टू मिलीमीटर से कम हो और ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो उसको हम सेंड कहेंगे अकॉर्डिंग टू एम आई टी सिस्टम ठीक है देन वी हैव सिल्ट ठीक है जिसकी जीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स मिलीमीटर से कम होती है और ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो टू मिलीमीटर से ज़्यादा होती है तो उसको हम सेल्ट कहते हैं अकॉर्डिंग टू एम आई टी सिस्टम देन जिसकी साइज जिस पार्टिकल की साइज हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू मिलीमीटर से कम हो तो उसको हम कौन सा पार्टिकल कहते हैं या कौन से सॉइल कहते हैं दिस इज क्ले सॉइल देन ठीक है सो सिमिलरली so, हमारे पास यू एस डी ए सिस्टम के मुताबिक अगेन ये हमारे पास थोड़ा सेम ही है यहाँ पे कि टू से ज़्यादा होगा तो हमारे पास वो ग्रेवल होगा टू और जीरो पॉइंट जीरो फाइव के दरमियान साइज होगा तो उसको फिर हम सेंड कहेंगे अकॉर्डिंग टू यू एस डी एस सिस्टम एंड सिमिलरली सेल्ट एंड क्ले ठीक है सो एंड सेम हमारे पास अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशल्स है ठीक है और इसके मुताबिक भी हमारे पास जो ग्रेवल्स है उसकी साइज़ टू uh, से 76.2 तक होता है मतलब इसका आखिरी लिमिट भी है ठीक है और यहाँ पे इन एम सिस्टम एंड इन यू एस डी ए हमारे पास ग्रेवल्स के लिए मैक्सिमम लिमिट नहीं है मिनिमम लिमिट के वन है ठीक है एंड सिमिलरली हमारे पास यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम तो उसके मुताबिक हमारे पास ये है ठीक है तो बाकी तो सब क्लासिफिकेशन सिस्टम वेरी मच क्लियर है लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक चीज है इन द यूनिफाइड सिस्टम कि जो सिल्ट और क्ले है इन दोनों को फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया है ठीक है मतलब इन दोनों को कम्बाइनली यहाँ पे डिफाइन किया गया है और उसको क्या कहा गया है फाइन्स ठीक है फाइन पार्टिकल्स तो फाइन पार्टिकल्स मीन सिल्ट एंड क्ले कम्बाइनली ठीक है तो अब यहाँ पे हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू दिस द ग्रेवल साइज इज रेंजिंग फ्राम फोर पॉइंट सेवन फाइव टू सेवेंटी सिक्स पॉइंट टू एंड जो हमारे पास सेवन है सेंड uh, है दिस इज़ जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव टू फोर पॉइंट सेवन फाइव ये मिलीमीटर्स uh, mm में इसकी साइज़ है ठीक है लेकिन जो साइज़ हमारे पास जीरो पॉइंट ज़ीरो से ऑन फाइव से कम हो तो उनको हम क्या कहेंगे दिस विल बी बेसिकली द फाइन पार्टिकल्स और कम्बाइनली उसको हम uh, इनको कम्बाइनली फाइन्स कहते हैं और एक्चुअली ये होते हैं सेल्ट और क्ले पार्टिकल्स ठीक है तो दिस दिस टेबल एक्चुअली शोज़ द डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स ठीक है आर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने की हुई है ठीक है तो कमिंग टू अगेन द सेम थिंग ठीक है पार्टिकल टिपिकल पार्टिकल साइजेस और डिफरेंट सिस्टम्स में हमारे पास ये साइजेस किस तरह है ठीक है सो हेयर इन एम आई टी सिस्टम यू कैन सी कि हमारे पास जो ग्रेवल है उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये ये यहाँ पर शो हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज़ दैट ग्रेवल ठीक है और फिर ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या चीज़ है दिस शोज़ देंड पार्टिकल्स ठीक है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस ब्राउन कलर दिस एक्चुअली शोज द द सेल पार्टिकल्स और बिलो दैट वी हैव दैट क्ले पार्टिकल्स ठीक है तो ये वही साइज डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन ये थोड़ा सा आ, आपको यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पे शो किया गया है ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए ठीक है यहाँ पे आपको ऑन द ऑन द एक्स एक्स डोमेन यू कैन सी कि हमारे पास ग्रैंड साइजेस है ठीक है एंड हियर यू हैव द द कलर्स ठीक है जिन uh, जिस कलर में uh, ग्रेबल्स को शो किया गया है so सो वो ये है एंड देन वी हैव सेंड वो ये इस कलर में शो किया गया है सिल्ट को इसमें और uh, सिल्ट एंड क्ले को एंड देन uh, सिर्फ क्ले को ठीक है तो ये हमारे पास डिफरेंट uh, इसकी यू कैन से शो करने का या डिस्प्ले करने का तरीका है ठीक है सो अकॉर्डिंग टू यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम यू कैन सी कि वही चीज़ है जिस तरह मैंने बताया था देखिए बाकी में हमारे पास जो कलर्स है वो सेम है लेकिन यहाँ पे एक कलर डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है ठीक है एंड दिस कलर एक्चुअली शोज़ द यूनिफाइड सिस्टम ठीक है आर यू कैन से फाइन पार्टिकल्स कम्बाइनली सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स ठीक है सो वो यहाँ पर देखें यहाँ पर शो भी किया गया है डेट सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स आर बेसिकली शोन विद दिस ब्राउन एंड ब्लू कम्बिनेशन कलर ठीक है तो इसमें हमारे पास ये थोड़ा सा इसमें ब्लू टेक्स्चर भी है इस कलर में तो यू कैन सी के दिस एक्चुअली शोज़ के यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक हमारे पास जो सॉयल है उसको तीन पार्टिकल uh, साइजेस में डिवाइड किया गया है ग्रेवल सेंड एंड फाइंस ठीक है और बाकी जो हमारे पास सिस्टम्स है जैसे कि एम है तो एम में हमारे पास ग्रेवल्स सेंड सेल्ट एंड क्ले इस तरह हमारे पास डिफाइन किया गया है ठीक है सो आई थिंक दिस इज़ क्वाइट क्लियर ठीक है अगर यहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है तो अगेन um, जो भी इशूज़ है वो आप यहाँ से भी देख सकते हो सो बोथ दिस स्टेबल एंड दिस दिस ग्राफिकल प्रजेंटेशन शोज द सेम थिंग ठीक है नाउ कमिंग टू दैट सेंड्स एंड ग्रेबल सो ही वी हैव आकैन एलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप microscopic picture of actually uh, a, a sand sample ठीक है तो इसमें आपको यहाँ पे दिखाया गया है दैट हेयर इट इज़ इन दिस स्क्वेयर इसको मजीद जूम करके यहाँ पे शो किया गया है ठीक है तो यू कैन सी कि हमारे पास जो पार्टिकल हैं सेंड पार्टिकल्स ये हमारे पास क्यूबिकल फ्लैकी राउंड ऑल ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट है ठीक है तो जो हमारे पास सेंड पार्टिकल्स होंगे सॉरी ग्रेवल पार्टिकल्स होंगे ग्रेवल पार्टिकल्स हमारे पास मेनली कंसिस्ट ऑफ द क्वार्ट्स फिल्ड स्पेयर एंड अदर मिनरल्स ठीक है और सेंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोस्टली क्वार्ट्स एंड फिल्ट स्पेयर से बने होते हैं ठीक है और बाकी साइज़ का तो आपको पता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के त, के जरिए से आपको इसकी एग्जैक्ट टेक्सचर भी दिखाई गई है ठीक है इन दीज पिक्चर्स ठीक है नाउ क्वार्ट्स क्या है फेड स्पेयर क्या है और अदर हमारे पास कौन कौन से मिनरल्स होते हैं ये आगे मैं कुछ स्लाइड्स में आपको बता दूंगा ठीक है नाउ कमिंग टू दिस थिंग अगेन ग्रेवल सेंड एंड सिल्ट ठीक है इनको देख के थोड़ा हाईलाइट करके देखाया गया है और फिर क्ले को हाईलाइट नहीं किया गया वजह ऊपर स्टेटमेंट को आप रीड कर लेते हो ये क्लियर हो जाएगा ड्यू टू द ऑरिजन फ्रॉम क्वार्ट्स एंड फिल्ड स्पेर दे आर स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रिकली एनर्ड एज दे आर रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग एंड नो केमिकल चेंज हैज़ अकर्ड टू चेंज दियर पेरेंट रॉक प्रॉपर्टीज देखिए जी चूंकि हमारे पास ग्रेवल्स में सैंड में और सिल्ट्स में ठीक है यू कैन से बेसिकली ग्रेवल और सैंड की बात हो रही है यहाँ पे कि इसमें हमारे पास क्वार्स और फिल्ड स्पेयर होता है ठीक है तो क्वार्ड्स और फिल्ड स्पेयर की प्रॉपर्टी ये है कि ये एनड है इस पर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है ठीक है और जो ये बनते हैं कौन से पेटरिंग के जरिए से बनते हैं मैकेनिकल uh, वेदरिंग uh, की वजह से ये बन जाते हैं ठीक है थीके? तो अगर ये केमिकल वेदरिंग की वजह से बनते तो फिर इसमें कोई केमिकल रिएक्शन होता और इसकी प्रॉपर्टीज़ पेरेंट रॉक से चेंज होती तो वो ऐसा है नहीं ठीक है ये पेरेंट रॉक से चेंज नहीं है ठीक है एग्जैक्टली हमारे पास पेरेंट रॉक की तरह ही इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ठीक है बट इन केस ऑफ क्ले एंड सम टाइम इन केस ऑफ सेल्ट ये थोड़ा डिफरेंट होता है ये सिचुएशन और वो कैसे यहाँ पे देख लें आप सेल्ट आर माइक्रोस्कोपिक सॉल्ट फ्रैक्शंस ठीक है ये एक्चुअली हमारे पास फ्लैकी uh, भी हो सकते हैं इसमें क्वार्ड्स भी हो सकते हैं क्वार्स ग्रेन और फ्लैग शेप पार्टिकल्स इसमें होते हैं और फ्रेगमेंट ऑफ मेका ठीक है मेका भी जिस तरह फेड्सपेयर और क्वार्ड्स हमारे पास है इसी तरह एक मिनरल है ठीक है और उसी uh, उसी का एक फ्रेगमेंट होता है जिसको हम सेल्ट कहते हैं फ्रेगमेंट मतलब उसका एक टूटा हुआ पार्ट ठीक है तो मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेका uh, और क्वार्स uh, uh, और फिल्ड स्पेयर को के साथ रिजेंबल करती है ठीक है यू गो ये हमारे पास एक्चुअली uh, वो पिक्चर है जो हमारे पास मेका को शो कर रहा है ठीक है और क्ले uh, पार्टिकल्स में हमारे पास मेका ज़्यादा होता है ठीक है क्ले आर मोस्टली फ्लैक शेप फ्लैक शेप होती है ये ठीक है माइक्रोस्कोपिक एंड पार्टिकल ऑफ मेका ठीक है इसमें हमारे पास मेका पार्टिकल ज़्यादा होते हैं क्ले मिनरल्स एंड ऑदर मिनरल्स ठीक है दे आर यूजली रिजल्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग क्ले हमारे पास केमिकल वेदरिंग के नतीजे में ज़्यादातर बन जाती है और जो सेंड और ग्रेवल है वो मैकेनिकल वेदरिंग के ज़रिए से बनती थी है ठीक है देखेरी इलेक्ट्रिक चार्ज काजिंग प्लास्टिसिटी तो चूंकि क्ले पे हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होती है तो इसलिए इसमें पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ी अट्रैक्शन होती है। और अगर इसको आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे तो ये प्लास्टिक बिहेवियर करता है ठीक है ये इस तरह के ये इन पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ी सी अट्रैक्शन आ जाती है और ये प्लास्टिक सा बिहेवियर करता है ठीक है तो अनलाइक अदर ग्रेवल्स एंड सिल्ट्स एंड सेंड्स क्ले इज़ प्लास्टिक इन नेचर एंड इट हैज़ सम इलेक्ट्रिक चार्ज इज वेल ठीक है पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है एंड अनलाइक दैट सेल्ड एंड सैंड एंड ग्रेवल पार्टिकल्स क्ले इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग ठीक है सो दिस इज दैट प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ क्ले ठीक है यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास जो क्ले पार्टिकल्स है वो uh, उनमें प्लास्टिसिटी ज़्यादा है ठीक है सो देट्स वाई अगर उससे आप इस तरह के यूटेंसल्स बनाते हो, ठीक है सो यू कैन सी के हमारे पास इसमें प्लास्टिसिटी की वजह से ये इस तरह जॉइंट रहते हैं अगर आप सेम थिंग आप सेंड से बनाना चाहो तो फिर वो नहीं बन सकता सेल्ड से आप बनाओगे तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे वो टूट जाएगा और वो इस तरह से आपस आप में आ, ग्रिप नहीं कर पाएगा ठीक है तो क्ले एक होता है क्ले साइज़ और दूसरा होता है क्ले पार्टिकल्स ठीक है इनमें फ़र्क है क्ले साइज़ तो सिंपल आप यूँ कह सकते हैं कि जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो टू मिली से जो साइज़ कम होंगे वो क्ले साइज़ पार्टिकल है ठीक है तो वो तो क्लियर हो गया लेकिन क्ले कौन से पार्टिकल्स होते हैं कि वो क्ले साइज़ के भी हो और उसमें प्लास्टिसिटी भी हो तो देन इट इज़ कॉल्ड क्ले पार्टिकल्स ठीक है उसके लिए सिर्फ साइज़ का होना ज़रूरी नहीं है उसके लिए प्लास्टिसिटी का होना भी ज़रूरी है ठीक है जनाब सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर कि क्ले पार्टिकल्स और क्ले साइज में क्या फ़र्क है ना कमिंग टू देट क्ले साइज पार्टिकल्स सो ऑलरेडी आई टोल यू कि हमारे पास तीन uh, किस्म के बेसिक uh, हमारे पास वो होते हैं मिनरल्स uh, uh, होते हैं और पार्टिकल्स होते हैं उसको नंबर वन वी है क्वार्स और उसकी आप देख सकते हो कि क्रिस्टल शेप होता है ठीक है और ट्रांसपेरेंट होता है और उस भी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है ठीक है सिमिलरली फिल्ड स्पेयर वह इस तरह से होता है ठीक है इसमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है या केमिकल इसकी केमिकल फॉर्म क्या है तो वो आगे जाके मैं कैनरल क्ले मिनरल्स में आपको समझाऊँगा ठीक है मिनरोलॉजी ऑफ क्ले में एंड मेका ठीक है तो वो इस तरह से होता है ये ज़्यादातर फ्लेकी होता है ठीक है अनलाइक द्ड्स एंड फिल्ड स्पेयर ये फ्लेकी ज़्यादा होता है ठीक है जनाब और बाकी साइजेस यहाँ पे मेंशन है जिस तरह क्ले के पार्टिकल साइज़ है ठीक है देन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द कलेम एन ठीक है सो दैट्स इट इन दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच